यूएस में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, पाक ने खड़ी की आतंकी इंडस्ट्री, नहीं कर सकते आतंकिस्तान से बात। जम्मू कश्मीर दौरे पर एनएसए अजीत डोभाल जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात के बारे में लेंगे जायजा और घाटी में सुरक्षा व्यवस्था पर करेंगे मंथन। नैनीताल हाईकोर्ट ने दो बच्चों से अधिक उम्मीदवार पर जिला पंचायत चुनाव पर की सुनवाई, हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के दिए हैं आदेश। तो वही राजधानी देहरादून में आबकारी विभाग की शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई, 3 अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, तस्करों के पास से 30 पेटी अवैध शराब की गई जब्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। खबरों की चर्चा करते हैं विस्तार से। नैनीताल हाईकोर्ट में क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में दो बच्चों से अधिक उम्मीदवार के राज्य सरकार द्वारा चुनाव न लेने के नोटिफिकेशन मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए 4 सप्ताह के भीतर सभी पक्षकारों से 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा गया है। फिलहाल याचिकाकर्ताओं को किसी भी प्रकार की राहत देने से इनकार भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि मोहन सिंह मेहरा और अन्य ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि पंचायती राज अधिनियम 2016 में संशोधन किया गया था जिसमें जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत में 2 से अधिक बच्चों वाले प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उत्तराखंड सरकार ने पंचायती राज अधिनियम 2016 में संशोधन किया था जिस संशोधन के माध्यम से क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत और ग्राम पंचायत में 2 से अधिक बच्चों को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया था। ग्राम पंचायत से संबंधित प्राविधान को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका आयोजित हुई थी और उस रिट याचिका में माननीय न्यायालय ने कह दिया था कि यह संशोधन 25 जुलाई 2019 से लागू होगा। तो ग्राम पंचायत में जिनके बच्चे 25 जुलाई 2019 से पहले हो गए थे तो वो योग्य हैं, लेकिन इसी प्राविधान के तहत क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में जिन लोगों को अयोग्य घोषित कर दिया गया था उनकी तरफ से भी एक रिट याचिका आयोजित हुई थी। आज माननीय न्यायालय में उस याचिका में सुनवाई हुई। माननीय न्यायालय ने सभी पक्षकारों को अपना जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। खबरों की चर्चा जारी रखेंगे लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर राजधानी देहरादून से। उत्तराखंड बीजेपी आज राज्यपाल से करेगी कांग्रेस की शिकायत। जनविरोधी होने और सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करने का लगाया आरोप। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल करेगा मुलाकात। बड़ी खबर राजधानी देहरादून से, जहां आपको बता दें कि उत्तराखंड बीजेपी आज राज्यपाल से कांग्रेस की शिकायत करने जा रही है। जनविरोधी होने और सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार का आरोप लगाया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट के नेतृत्व में बीजेपी राज्यपाल से मुलाकात करेगी। बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी देहरादून से। आपको बता दें कि उत्तराखंड बीजेपी आज राज्यपाल से करेगी कांग्रेस की शिकायत, जहां जनविरोधी होने और सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करने का बीजेपी ने आरोप लगाया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करने जा रहा है।
वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता महावीर नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी महावीर जी, जिस तरह से आज बीजेपी राज्यपाल से मुलाकात करने जा रही है, कांग्रेस की शिकायत यहां पर वो करने जा रही है राज्यपाल से, क्या कुछ देखने को मिलेगा, किस तरह की शिकायत यहां पर बीजेपी की है? देखिए, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि प्रदेश में चाहे वो डेंगू का मामला हो या फिर पंचायत चुनाव को लेकर शिकायत हो, तो हमने देखा है कि विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बनाने का काम कर रहा है और लगातार हर स्तर पर घेरने की कोशिश कर रहा है। तो इसी कड़ी में विपक्ष ने राज्यपाल से भी मुलाकात दो बार की है और राज्यपाल से एक तरह से शिकायत की थी कि जो प्रदेश सरकार है वो कहीं ना कहीं अपनी जो जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं कर रही है। तो ऐसे में जो बीजेपी है, उत्तराखंड बीजेपी, उसने यहाँ पर एक रणनीति तैयार की है कि राज्यपाल से मुलाकात करके जो दुष्प्रचार एक तरह से किया जा रहा है सरकार के कामों का और जो पार्टी के स्तर पर जो काम किए जा रहे हैं उनका दुष्प्रचार किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ एक तरह से शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं प्रतिनिधिमंडल बीजेपी का आज। और 12 बजे प्रतिनिधिमंडल जो है वो पहुंचेगा राजभवन और वहां राज्यपाल से मुलाकात कर शिकायत करेगा, क्योंकि बीजेपी का दावा यही है कि लगातार 3 साल से जब उनकी सरकार है और उनकी सरकार के द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं, जनहित के जो काम है उस पर जो विपक्ष है दुष्प्रचार करने का काम कर रही है और जो जनहित के काम है, लोगों से जुड़े हुए काम है, उन पर जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि दुष्प्रचार कांग्रेस कर रही है, चाहे फिर अटल आयुष्मान योजना हो, तमाम तरह की योजनाएं हैं, चाहे इन्वेस्टर समिट हो, वो तमाम तरह की योजनाएं हैं जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाने साधे थे और उसको एक तरह से शिकायत भी राज्यपाल से की थी। तो इस पर बीजेपी का कहना यही है कि वो जो सरकार के काम है, जो जनहित के काम है, उनका दुष्प्रचार कर रही है और इसी की शिकायत लेकर वो राज्यपाल के पास पहुंच रहे हैं। महावीर जी, ये तो बात थी बीजेपी के कार्यक्रम की, अगर बात करें कांग्रेस की तो उनकी क्या कुछ इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया अब तक देखने को मिली है? आयुषी, देखिए, इस पूरे मामले में जिस तरह से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस ने लगातार घेरने की कोशिश की है सरकार को, चाहे वो किसी कोई भी मुद्दा हो, चाहे पंचायत का मामला हो, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर जो एक सरकार ने, कैबिनेट ने जो फैसला लिया था कि 3 बच्चे जिनके होंगे वो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और साथ ही साथ 10वीं की योग्यता उसको रखी थी, लेकिन कोर्ट के द्वारा जब ये फैसला एक तरह से बदल दिया जाता है, उस पर रोक लगा दी जाती है, तो ऐसे में सरकार की किरकिरी होती है और विपक्ष निशाना साधता है कि सरकार अपने जो निर्णय है उस पर पूरी तरह से स्टडी नहीं करती है, उस पर पूरा तरह से काम नहीं करती और निर्णय लेने का काम करती है केवल। तो ऐसे में जो कोर्ट के द्वारा कई ऐसे फैसले हैं जिस पर कोर्ट ने सीधे सीधे सरकार के फैसले को पलटा है, तो यही एक वजह है कि कहीं ना कहीं विपक्ष के निशाने पर सरकार रही है और शायद यही वजह है कि सरकार को घेरने का काम विपक्ष करता रहा है और उसी के एवज में उसी का पलटवार हम कह सकते हैं कि एक तरह से आज बीजेपी देने जा रही है। और बीजेपी कांग्रेस पर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाते हुए एक ज्ञापन राज्यपाल को सौंपने जा रही है। जी महावीर जी, फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बढ़ते आगे, जहां उत्तराखंड के नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य में बढ़ती डेंगू को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम हल्द्वानी और राज्य सरकार से पूछा है कि डेंगू की रोकथाम के अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। 30 सितंबर तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। मामले की सुनवाई को 30 सितंबर को होगी। आपको बता दें कि यूथ बार एसोसिएशन ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य में डेंगू के कारण कई लोगों की असमय मौत हो चुकी है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसकी रोकथाम के लिए अभी तक जो भी कदम उठाए गए हैं वो पर्याप्त नहीं है, डेंगू रोकथाम के लिए मेडिकल बोर्ड का भी गठन किया जाए। तो इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है हरिद्वार से। हरिद्वार से बड़ी खबर, आचार्य बालकृष्ण हुए केदारनाथ के लिए रवाना, नवरात्रि में शक्ति साधना के लिए करेंगे केदारनाथ में तप। आचार्य बालकृष्ण ने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां आचार्य बालकृष्ण केदारनाथ के लिए रवाना हो चुके हैं, नवरात्रि में शक्ति साधना के लिए वो केदारनाथ में तप करने जा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है।
वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां पोतादी के आचार्य बालकृष्ण ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। केदारनाथ के लिए वो रवाना हो गए हैं और नवरात्रि में शक्ति साधना के लिए वो केदारनाथ में ही तप करेंगे। तो ये बात करें विकास नगर की, तो विकास नगर वाल्मीकि समाज द्वारा प्रदेशीय वाल्मीकि समाज कल्याण समिति रजिस्टर्ड के नेतृत्व में नए कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें वाल्मीकि समाज कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष नाट्य भूषण लक्ष्मी नारायण द्वारा कुल 21 लोगों को समिति की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें मुकेश कुमार को अध्यक्ष और सुरेंद्र कुमार को महासचिव मनोनीत किया गया है। बाकी 19 लोगों को अन्य पदों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं प्रदेशीय वाल्मीकि समाज कल्याण समिति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। नाट्य भूषण लक्ष्मी नारायण मेरा नाम है और मेरी शाखा यहाँ पर ये कई वर्षों चल रही थी। अभी कुछ आपसे मतभेद की वजह से यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है, जो अहित हो रहा था हमारे समाज का। तो यहाँ कुछ जो सक्रिय कार्यकर्ता हमारे हैं, जिसमें विवेक सिंह जी हैं, ये हमारे चौधरी हैं भैया, इन्होंने मुझे आमंत्रित किया। इन्होंने कुछ शिकायत की यहाँ पर जो गुट काम कर रहे हैं, तो मैंने कहा दो गुट कैसे करेंगे यहाँ पर, एक ही गुट काम करें सॉरी। तो आज हमने अपनी उपस्थिति में हमारे साथ अपने केंद्र से हमारे श्री अरुण वाल्मीकि जी, जो पूर्व पार्षद है हमारे मंडल के वरिष्ठ सदस्य है। तो वही लक्सर में गुर्जर समुदाय के लोगों ने आंदोलन किया है। आपको बता दें कि सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया था, जिसके बाद आरोपियों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिससे गुर्जर समुदाय के लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आंदोलन किया और मांग पूरी न होने पर आंदोलन को उग्र करने की भी यहाँ पर चेतावनी दी गई है। सर के निर्देशानुसार ही चेकिंग का अभियान जारी था और इसी दौरान पथरी पुलिस को फेरूपुर में दो व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में आते दिखाई दिए। उनको रोकने का जब इशारा किया गया तो वापस मुड़ने की उन्होंने कोशिश की, इसी बीच वो लड़खड़ाके गिरे। उनको पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया, उनकी तलाशी ली गई तो उन दोनों पे एक पे एक 32 बोर का पिस्तल और एक दूसरे पर दूसरे 32 सॉरी ये एक देसी तमंचा 315 बोर का बरामद हुआ है। और जब इनसे और पूछताछ की गई तो इनका आपराधिक इतिहास भी निकला है और ये हार्डकोर क्रिमिनल हैं। और जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि किसी ज्वेलर्स को लूटने का प्लान से आए थे सुल्तानपुर में, और उसी में कोई वारदात दे पाते, उससे वारदात को अंजाम दे पाते उससे पहले ये पुलिस के अध्यक्ष। तो वही उत्तराखंड की खानपुर पुलिस ने 100 रुपए के नकली नोट करेंसी बनाने के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर नकली करेंसी छपाई के उपकरण को बरामद करते हुए पुलिस संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दो आरोपियों को जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि लक्सर के खानपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दो व्यक्तियों को जाली मुद्रा के 100 रुपए के नोटों के साथ जाली मुद्रा बनाने के उपकरणों को बरामद किया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि लगभग 30 से 40 हजार रुपए के नोट उनके द्वारा कई प्रदेशों के बाजार में चलाए गए हैं और 100 रुपए के नकली नोट की प्रिंटर से छपाई की जाती थी। निर्देश है कि जनपद को अपराध मुक्त रखा जाए और इसी क्रम में हमारे द्वारा एक प्रयास किया गया था, इसमें इंटेलिजेंस को पुष्ट किया गया और इंटेलिजेंस को करेक्शन किया गया। तो ये संज्ञान में आया कि क्षेत्र में कुछ तत्व ऐसे हैं जो जाली करेंसी को चलाने के फिराक में हैं और चला भी रहे हैं। इसमें हमारे ऐसे खानपुर ने अपने को इन्वॉल्व करते हुए और अपनी सूचनाओं को पुख्ता करते हुए इसमें कार्रवाई की है। इसमें दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, एक गोपाल है और एक नीटू है और अभी तीसरा एक फरार है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें 4700 रुपये तो बने बनाए मिले हैं, बरामद हुए हैं और इसमें 12000 की करेंसी अभी जो नकली करेंसी है वो अधबनी है वो भी बरामद हुई है। और इसमें प्रिंटर है, इंक है, गांधी जी की जो उस पर प्रिंट होता है वो मोहर है और जो भी नोट बनाने में जाली नोट बनाने जो इनके द्वारा इंस्ट्रूमेंट है वो बरामद हुए हैं। तो वही लक्सर के पथरी थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान दो शातिर बदमाशों को धर दबोचा है, जिनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। दरअसल हरिद्वार रोड पर थाना पथरी पुलिस की ओर से चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत हरिद्वार की ओर से आ रही एक बाइक को रोककर तलाशी ली गई। जब तलाशी के दौरान दोनों आरोपियों के पास से कई चीजें बरामद की गई, इसके साथ ही उनके पास से एक पिस्टल, 32 बोर, 4 जिंदा कारतूस और दूसरे व्यक्ति से एक देसी तमंचा, 315 बोर के 2 जिंदा कारतूस और मिर्च स्प्रे भी बरामद हुआ है। फिलहाल दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है।
वहीं आपको बता दें कि गदरपुर में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कव्वाली और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कुपोषण के प्रति उन्हें जागरूक किया गया। तो वहीं इस मौके पर टाटा मोटर्स, नगर पालिका परिषद, स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास कार्यालय ने स्टॉल लगाकर विभिन्न जानकारियां दी। इसके साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य की जाँच भी कराई गई है। तो वही राजधानी देहरादून में आबकारी विभाग की ओर से अवैध शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 3 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 30 पेटी अवैध शराब बरामद हुई है। आपको बता दें कि शराब तस्कर दूसरे राज्यों से शराब लाकर उत्तराखंड में सप्लाई करते हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। देखिए, आजकल अवैध शराब के विरुद्ध उत्तराखंड पुलिस और हरिद्वार पुलिस के द्वारा अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसी में हमें सूचना मिली थी मुखबिर से कि कुछ लोग हैं जो कि अवैध शराब की तस्करी में सक्रिय है और जो गैर प्रांतों से शराब ले आकर के और हमारे वहाँ तथा अन्य जिलों में उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इसी सूचना को डेवलप करके एक गाड़ी को रोका गया था और ये हरियाणा नंबर का छोटा हाथी था, जिसमें नीचे 30 पेटी शराब मिली और ऊपर उसमें सब्जी के कुछ बास्केट रखे हुए थे। पूछने पे उसमें 2 लोग जो कि कुरुक्षेत्र निवासी है और एक हरिद्वार का ही। तो उत्तराखंड के हरिद्वार का ये मामला, जहां आपको बता दें कि पुलिस ने 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आरोपियों से 30 पेटी अवैध शराब भी जब्त की गई है। पूरे मामले में सामने आया है कि आरोपी अवैध शराब को दूसरे राज्यों में भी सप्लाई करते थे। इसके बाद हरिद्वार पुलिस ने टीम गठित कर इन 3 शराब तस्करों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। जहां मुख्यमंत्री आवास में लगे 4 मोबाइल कंपनियों के टावर का सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संज्ञान लिया है। न्यूज इंडिया ने प्रमुखता से इस मामले को उठाया था, जहां मोबाइल टावर के रेडिएशन का मामला सीएम के मीडिया सलाहकार रमेश भट्ट के संज्ञान में भी डाला गया, मगर बात सीएम तक नहीं पहुंच सकी, जिसके बाद सीएम से ही मोबाइल टावर रेडिएशन से होने वाली हानि के बारे में पूछा गया, जिस पर सीएम ने कहा कि आवास में तमाम जनता आती है, ये सभी के लिए खतरनाक है। संबंधित अधिकारियों को मोबाइल टावर से निकलने वाली रेडिएशन को दिखाया जाएगा, यदि रेडिएशन ज्यादा होती है तो इसका समाधान जल्द ही निकाला जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।